राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला। पूनिया ने जयपुर में मंगलवार को मीडिया से वार्ता करते दौरान कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति और कमजोर गवर्नेंस होने की बात कही। वहीं पूनिया ने गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में समय लगने को लेकर कांग्रेस आलाकमान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आलाकमान की लापरवाही और ढिलाई की वजह से देरी हो रही है। अभी तक जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है उसमें कई बार जब कोई प्रश्न खड़े होते हैं तो वो इस बात का एक डिफेंस लेते हैं कि हमारी अंदरूनी राजनीति है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और कमजोर गवर्नेंस का असर राजस्थान की जनता पर पड़ा है, गवर्नेंस पे पड़ा है, उसकी हमें चिंता थी। लेकिन जिस तरीके से सरकार चली है ढाई वर्षों में, वो सरकार का चलना ये चलना नहीं होता, और स्वाभाविक तौर पर अभी तक जो चीजें होल्ड थी केवल मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके, तो जो निर्णय अनिर्णय की स्थिति कांग्रेस के आलाकमान की राजस्थान के बारे में है वो उनकी पार्टी का मसला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के आलाकमान की ढिलाई की वजह से, लापरवाही की वजह से, उनकी पकड़ नहीं होने की वजह से और पिछले ढाई वर्षों में लगभग ये अनिर्णय की स्थिति है। अब एक बैरोमीटर था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो जाएगा।